बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़ीज़ा ख़ान अपने चैनल अज़ीज़ास मैस फ्लैम्बियो में आपके सामने हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैस नंबर्स का और सिंबल्स का खेल है, तो मेरे हाथ में कुछ सिंबल्स हैं। इन तमाम सिंबल से आप तकरीबन अवेयर हो, प्लस के लिए यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, और बिग ब्रैकेट इज़ इक्वल टू, ये सिंबल्स हैं। इसके अलावा जो आज का हमारा टॉपिक है उसके लिए भी एक सिंबल यूज़ होता है, और वो सिंबल हमें कहाँ कहाँ नज़र आता है। वो हमें नज़र आता है, जैसे आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है सेवर का, सेव अप टू 80 के साथ वो सिंबल नज़र आ रहा है, अप टू 80 और उसके साथ सिंबल नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसमें अगर आप देख रहे हैं तो 20 के साथ सिंबल मौजूद है, 20 और वो जो सिंबल है। इसके अलावा इस बोतल पे एक्स्ट्रा 10 के साथ ये सिंबल मौजूद है। ये सिंबल हमारी डेली लाइफ में अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों के साथ देख रहे होते हैं। और ये सिंबल इस वक्त आपको कहाँ नज़र आ रहा होगा, ये सिंबल अगर आप मेरी ये वीडियो अपने सेल के ज़रिए से देख रहे हैं तो सेल में, अगर मैं आपसे कहूँ इस वक्त आपके सेल फोन में कितना चार्ज मौजूद है, तो अगर आपने देखकर बताना है तो 70 और उसके साथ आप एक लफ्ज़ बोलोगे परसेंट, कोई कहेगा 65% मौजूद है, बहुत ही कम हुई, बैटरी बहुत लो होती जा रही है, चार्ज ख़त्म होता जा रहा है, तो 10 और उसके साथ आप कहेंगे परसेंट। और मैं आपसे कहूँ परसेंट के बग़ैर बोल के ज़रा बताएं, आप कहेंगे 7, 60, 10, क्या? इसका मतलब है कि उस परसेंट की कितनी अहमियत है कि हम उसके बग़ैर अपनी सेल फोन का चार्ज भी नहीं बता सक रहे। और इतनी सारी चीज़ें दिखाईं, उनमें भी उन्होंने सिंबल यूज़ किया हुआ है। वो सिंबल क्या है ये तो पता चली गया, ये है सिंबल। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं परसेंटेज। और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। अच्छा, अब ये तो जान लिया कि परसेंटेज यानी वो जो साइन थी, वो जो सिंबल था, उसकी हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये परसेंटेज बनता कैसे है, ठीक है। उसके लिए पर सेंट, ये कहाँ से निकला है लव्स परसेंटेज, पर और सेंट। पर का मतलब होता है ईच या एवरी इंग्लिश में, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी मीन सदी, और सदी क्या होती है, सो। तो इसका मतलब है कि हर सो के ऊपर, हर सो में से, यानी इसका मतलब हुआ हर सो में से। उर्दू में देखते हैं इसको कहते हैं फ़ीसद, हमारा जो चैप्टर है इसको कहते हैं फ़ी और सद, फ़ी और सद। फ़ी का मतलब एवरी ईच, और सद मीन हो जाती है सदी, सो, हंड्रेड। तो इसका मतलब है कि ये जो परसेंटेज है ये परसेंट से निकला है, हर सो में से, हर हंड्रेड में से, यानी फ़ीसद परसेंटेज क्या हुआ, वो नंबर, वो रेशो, वो रेट जो फ्रैक्शन ऑफ हंड्रेड में से हो। हम कह रहे हैं कि परसेंटेज मीन हर सो में से। उसके लिए हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास ये आपको कलरफुल शीट नज़र आ रही है जिसके बॉक्सेस जो हैं वो हंड्रेड हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ हंड्रेड होता है और उसमें से ही लिया जाता है। तो यहाँ पे ये बॉक्सेस कितने हैं, हंड्रेड में से हैं। अब अगर हम ये कहें कि इस वक्त ये जो पिंक कलर की शीट है इसके अंदर जितने बॉक्सेस हैं तो ये कितना एरिया हंड्रेड में से है, टोटल अगर हम गिनते हैं तो ये 18 नंबर हैं, टोटल 18 जो है वो बॉक्सेस हैं। पिंक कलर हमारे पास है 18, और फ्रैक्शन में सीख चुके हैं मेरी पिछली वीडियो में कि टोटल जो नंबर होता है वो कहाँ लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं 18,
और 100. अब अगर हमें यहाँ, ये तो फ्रैक्शन है, हमें ये कहा जाए कि इसको हम कन्वर्ट करें परसेंटेज में, कि ये टोटल पूरे 100 बॉक्सेस में से पिंक कलर ने कितना हिस्सा घेरा हुआ है या कितने बॉक्सेस पे ये मुश्तमिल है. तो 18/100 को हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 18%. इसी तरीके से ग्रीन बॉक्सेस जो हैं वो हमारे पास हम काउंट करें तो 22 हैं. 22/ फ्रैक्शन में जो हम सीख चुके हैं 100. अब अगर हमें परसेंटेज में कहा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 22, और ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज की साइन में. इसी तरीके से ब्राउन, ये टोटल हो रहे हैं 10/100. इसको अगर कन्वर्ट करने को कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10%. इसी तरीके से येलो शीट जो के हैं तकरीबन 14, ये बॉक्सेस जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 14 हैं. तो इसका मतलब है ये 14 किस में से हैं, 100 में से हैं. परसेंटेज क्या बनेगी, 14%. और इसी तरीके से रेड जो हैं वो 24 बॉक्सेस हैं 100 में से, 24/100. और परसेंटेज की बात करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 24% में. यानी ये नंबर फ्रैक्शन में आ गए, और यही नंबर कन्वर्ट करने को कहा जाए हमें परसेंटेज में, तो परसेंटेज में इस तरह नंबर आ जाएंगे हर 100 में से. तो ये पूरा एक 100 था. अब पिंक शीट को देखते हैं, ये हो जाएगा 12/100, तो ये बनेगा 12%. अब अगर हम इन सबको काउंट करें, टोटल सम लें इसका, तो वो बनेगा 100. तो ये इस तरीके से हमने फ्रैक्शन भी देख लिया, और परसेंटेज में कैसे लिखते हैं उस फ्रैक्शन को ये भी देख लिया, और 100 में से कौन सा कलर कितने परसेंट हमारे पास इस वर्कशीट में मौजूद है ये भी हमने यहाँ देख लिया. अब बोर्ड पे एक सवाल है कि 3% ऑफ 300, 300 में से 3% कैसे निकालें. अब हमने ये सीख लिया है कि हर 100 का 3%. अब जरा चेक करते हैं इसमें कितने 100 मौजूद हैं. 300 मौजूद हैं हर 100 में से, 3 हर 100 में से, 3 इसमें से भी मैं ले लूं, 3 इसका भी ले लूं मैं, 3 और इसका भी मैं ले लूं, 3 टोटल कितने हो जाएंगे नंबर, 9. इसका मतलब है कि 3% कितना निकला 300 का, 9. ये तो इजी था कि हमें समझ आ रही थी कि ये 100 में नंबर्स है, लेकिन अगर 1000 में नंबर होता तो उसके कितने 100 हमें लिखने पड़ते, यानी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता ना. तो यही चीज़ हम शॉर्ट मेथड में परसेंटेज कैसे कंप्यूट करते हैं वो सीखने जा रहे हैं. हर 100 का हमें पता चल गया, यही हमें 9 मिलेगा लेकिन शॉर्ट मेथड से. हम कह रहे हैं 3%, ये भी जानते हैं 3% को हम फ्रैक्शन में यूँ लिखेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा. और किसका, 300 का. कैसे सॉल्व करेंगे, सामने की जीरो कैंसिल, दोनों सेम है, कितना रह गया नंबर, मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9. यानी जब हमें कहा जाएगा कि किसी भी नंबर का इतना परसेंट, तो हम बआसानी फ्रैक्शन में रखने के बाद उस नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई और हमारा रिजल्ट आ जाएगा. चलें बोर्ड पे एक और सवाल नज़र आ रहा है, 10% ऑफ 50. 10% मींस 10/100, किसका, 50 का. कैसे निकालेंगे, एक ज़ीरो सेम हो रहा है, ठीक है, एक जीरो ऊपर से सेम हो रहा है, क्या रह गया, ओनली 5. यानी 10% 50 का कितना निकलेगा, 5. अच्छा क्वेश्चन है 45% ऑफ 600. 45%, ये तो हम जान ही गए कि हम यूं लिखते हैं इसको फ्रैक्शन में, किसका, 600 का. अच्छा अब इसमें सेम जो जीरो है हमने वो कैंसिल कर दिए, ये नंबर जाके 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हम ज़रा इसको चेक कर लेते हैं, 45 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 30, 6 4
24 और उसमें 3 प्लस कर दे क्या हो जाएगा 27। आंसर आ गया 27। अब अगर ये 600 का 45 रुपीज़ में मांग रहे थे कि परसेंट कितना होगा, तो कितने रुपीज़ होंगे, वो 270 रुपीज़ होंगे, जो कि 45% बनता है 600 का। हमने यहाँ तक परसेंटेज को कंप्यूट करना सीखा और कैलकुलेशन की कि कैसे कौन से नंबर का परसेंटेज हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं कहूँ आपसे कि हम इसको अपने कैलकुलेटर में कैसे जो है वो कंप्यूट करेंगे, जहाँ बहुत ही आसान होता है, जैसे मैंने ये देखें 5000 का अगर लेना है, 5000 लिखा मैंने और परसेंट की साइन होती है वो ले लिया, 5000 का मैं कितना परसेंट चाह रही हूँ, 25% चाह रही हूँ, 1250। यहाँ हमने परसेंट को कंप्यूट करना सीखा कि किस नंबर का कितने परसेंट कौन सा नंबर बनता है या अमाउंट बनता है। अब अगर हमें कहा जाए कि कोई नंबर अगर हमें फ्रैक्शन में दे दिया जाए और कहा जाए कि वो कितना परसेंट है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैंने करनी है एक एक्टिविटी। ग्लास नज़र आ रहा है, इस ग्लास में आपको ये साइन नज़र आ रहे होंगे, कितने पार्ट पे ये है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 पार्ट हैं इसके, और जूस मौजूद है हमारे एक पार्ट में, एक हिस्से में। हम इसको फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं, 4th, कितने पार्ट पे जूस है, एक हिस्से पे, तो फ्रैक्शन में कैसे कहेंगे हम इसको, 1/4, 1/4, उर्दू में कहेंगे तो 1/4। 1/4 हिस्से में हमारे पास क्या मौजूद है, ग्लास में जूस मौजूद है, ठीक है। अब 1/4 कहा जाए हमें कि ये जो जूस का पार्ट है ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर जूस का जो ये पार्ट है जो फ्रैक्शन में आ गया, उसको परसेंट में कैसे बोलेंगे, ये तो फ्रैक्शन में है ना, परसेंट में कैसे बोलेंगे, लगा देंगे साथ में 100, क्योंकि हम जानते हैं परसेंटेज 100 के बगैर कंप्लीट नहीं होता। ये कौन सा पार्ट 100 में से कितना है वो हम बताएंगे परसेंट में। कैंसिल करेंगे कैसे, 4 1 4 4 2 8 लगेगा, ये 10 थे, कितने नंबर रह गए, 2 हमने दे दिया, 0 को कितने बना दिए, 20 4 5 20, मीन्स ये कितना है, 25% हमारे पास ग्लास में जूस मौजूद है। पूरा ग्लास 100 हो गया, उसका परसेंट कितना निकला, 1/4 जो फ्रैक्शन में है वो हमारा परसेंट कितना निकला, 25%। एम्प्टी ग्लास कितना है, खाली ग्लास कितना है, ये तो जूस वाला पोर्शन हो गया ना 25%, लेकिन ये वाले पोर्शन अगर हमें कहा जाए कि खाली ग्लास कितना रह गया परसेंट में बोलें, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि 1/4 अगर हम हटाते हैं पूरे ग्लास का, तो बाकी हमारा फ्रैक्शन में नंबर कितना रह जाता है, 3/4, 3/4। 3/4 से भी हम कर सकते हैं खाली ग्लास, इससे भी हम कर सकते हैं 100 का, कैंसिल करना हम सीख चुके हैं, यहाँ 100 आता है, अगर हम 4 और 100 को डिवाइड कर दें तो 25 आता है, 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, कितना ग्लास खाली रह गया, 75। इसका मतलब है कि 75% हमारा जो ग्लास खाली है उस क्वांटिटी में है। परसेंट में कितना खाली है ग्लास, ये वाला हमारा ग्लास जो 3/4 है वो फ्रैक्शन में है, परसेंट में कितना खाली है, 75% खाली है, और जूस कितने हिस्से में मौजूद है, 25 हिस्से में मौजूद है। इस एक और तरीके से देखते हैं कि 100% हमारा ग्लास है, उसमें से जूस हमारे पास है 25%,
तो खाली ग्लास हमारा कितना रह गया, 100 में से 25 लेस कर दें, 75% हमारा एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास रह गया। अब एक क्वेश्चन बोर्ड पे नजर आ रहा है कि अक्रम गोट 510 मार्क्स आउट ऑफ 850, व्हाट परसेंट ही गोट मार्क्स इन परसेंटेज। 510 गोट कर रहा है, परसेंटेज किससे निकालनी है, 850 से। जो मार्क्स उसने हासिल किए वो हैं 510, किस में से, आउट ऑफ 850 में से। मांगा है हमसे परसेंटेज, लगाएंगे हम 100। अब क्या करना है, एक जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, 510 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो हो जाएंगे, अब वो मल्टीप्लाई से ये पोजीशन बनेगी, ये 85 रह गया। अब हम इसे करेंगे कैंसिल, 5 के टेबल से हो रहा है, 5 की डिविजिबिलिटी ट्रिक्स में आपको बताया था कि 0 और 5 जिनके लास्ट में होगा और 5 से कैंसिल हो जाता है, ये दोनों नंबर 5 से कैंसिल हो रहे हैं। कैसे कैंसिल हो रहे हैं, 5 1s, इसके बाद डायरेक्ट जो है वो 10 कैंसिल हो रहा है 5 से, इसलिए यहाँ लगेगा 0, 5 2s 10 और ये 0 आ गया। इसके बाद 85 को 5 से कैसे करेंगे, 5 1s, 5 यहाँ से हटा, 3 रह गया जो हमने दिया, 5 को 35 बनाया, 5 7s 35, ये भी हो गया कैंसिल, यानी हमारे पास नंबर आ गया 1020 और ये वाला 17। अब इस नंबर को अगर चेक करते हैं तो 102 हमारे पास 17 के टेबल में मौजूद है, कैसे, 17 1s और ये 6 से कैंसिल हो रहा है तो हमारा ये 0 रह गया, इसको ले जाएंगे हम ऊपर, क्या बना, 60%। अक्रम के जो मार्क्स 510 है आउट ऑफ 850, परसेंट में कितना है वो, 60% है वो। सवाल आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे कि नईम की महाना आमदनी 8000 रुपये है और हर माह 6000 रुपये खर्च करता है, तो उसके अखराजात फीसद में मालूम करें। टोटल आमदनी ये है, खर्च कितना बता रहे हैं, 6000, मालूम क्या करना है, अखराजात फीसद में, यही चीज़ जो खर्च कर रहा है वो फीसद में बतानी है। तो खर्च हम लिखेंगे 6000, टोटल आमदनी उसकी हो रही है 8000 से, 8000 से, परसेंट के लिए 100 लगाएंगे। अब हमने करना है कैंसिल, 0 हमें सेम नज़र आ रहे हैं, कर दिए, 8 और 100 इसको कैंसिल करते हैं, 4 से, 4 2s 8 और इसके अलावा 4 2s 8 किया, यहाँ से रह गए 2, इसको दे दिया, 4 5s 20, यहाँ से हमारे पास 6 और 2 कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल से, 2 1s 2 3s, क्या नंबर रह गया, 3 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, 25 से 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 5s 15, 3 2s 6 और 7, कितना परसेंट आ गया, 75% आ गया, यानी उनका खर्च जो फ़ीसद में बताना हो तो 75% वो अपना खर्च कर देता है 8000 उसकी महाना जो आमदनी है उसमें से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, परसेंटेज, फ़ीसद कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट कहाँ से हमें मिला, हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है, और इससे रिलेट जितने भी प्रॉब्लम्स थे कोशिश की मैंने कि यहाँ आपको सॉल्व करके समझा सकूँ। और इसके बाद इसी टॉपिक का दूसरा पोर्शन जो कि होगा कि बिज़नेस में प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, इसके अलावा शॉपिंग करते हुए जो छूट होती है, डिस्काउंट होता है, उसका परसेंटेज कैसे कंप्यूट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।